बिसमिल्ल रही अलकम अब्रीवान अवर यू ऑल आई होप आप सब ठीक होंगे आई एम मिशा एंड टूडेज़ टॉपिक इज़ अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन सो so, हम स्टार्ट करते हैं अपने स्टूडेंट्स को मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ने लगे हैं सबसे पहले आप उसके टाइटल को देख लें ठीक है क्योंकि टाइटल को पढ़ने से ही हमें आइडिया हो जाता है कि हम इस टॉपिक के अंदर क्या पढ़ने लगे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आज के केस में अगर हम देखें तो हमारा जो टॉपिक है ये डिवाइड हो रहा है दो वर्ड्स में दैट इज़ द फर्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रो एंड द सेकेंड वन इज केमिस्ट्री तो हमें इससे क्या आइडिया हो रहा है कि इलेक्ट्रो किस से रिलेटेड होगा इलेक्ट्रो रिलेटेड होगा इलेक्ट्रिसिटी से या इलेक्ट्रिकल एनर्जी से और केमिस्ट्री रिलेटेड होगा केमिकल रिएक्शन से ठीक है केमस्ट्री की वैसे डेफिनेशन मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में डिटेल से समझाई हुई है तो आप वो चेक कर सकते हैं मैं लिंक दे दूँगी उसका सो so, इसके नाम इसके टाइटल को पढ़ने से हमें क्या पता चल रहा है कि हम इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को भी देखेंगे और केमिकल ऑशन भी देखेंगे ठीक है अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं

और उसके रिज़ल्ट में केमिकल रिएक्शंस जो है वो परफॉर्म होते हैं ठीक है एक काम तो यह है दूसरा काम है केमिकल रिएक्शंस ख़ुद ब खुद होते हैं स्पॉन्टेनियस और उसके रिज़ल्ट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ठीक है ये सब कुछ हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आई होप आपको इसकी डेफिनेशन जो है वो क्लियर होगी नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स ठीक है अलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बेसिकली वो डिवाइस हैं जो कि केमिकल अनर्जी को इलेक्ट्रिकल अनर्जी में कन्वर्ट करती हैं या वायुवर्सा अच्छा वायुस्वर्सा का क्या मतलब है कि इसमें दो काम हो रहे हैं ना मैंने आपको पहले भी बताया केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होगी ठीक है एडिकली ये दो काम हो रहे होते हैं केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है या फिर इलेक्ट्रिकल अनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है अभी इस केमिकल जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसकी दो टाइप्स हैं एक गलवानिक सेल द सेकेंड वन इज़ इलेक्ट्रोलेट्रिक सेल अच्छा गलवानिक सेल बेसिकली क्या है गलवानिक सेल में क्या होता है कि केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो ख़ुद बहुद होते हैं ठीक है इसमें स्पॉन्टेनियसली केमिकल रिएक्शंस होते हैं और उसके रिजल्ट में इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो जनरेट होती है ये काम हो गया एलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर क्या होता है इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी हम खुद से देंगे ठीक है और उसके रिज़ल्ट में जो नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस हैं वो टेक प्लेस होंगे सो so क्लियर गलवानिक सेल में क्या होगा कि जो हमारे पास केमिकल रिएक्शंस हैं वो खुद ब खुद होंगे और उसके रिजल्ट में इलेक्ट्रिसिटी बनेगी और दूसरे केस में इलेक्ट्रिसिटी हम खुद देंगे और उसके रिजल्ट में केमिकल रिएक्शन जो नॉन स्पॉन्टेनियस हैं जो खुद बहुत नहीं हो सकते हम उनको करवाते हैं ठीक है सो ये दो काम बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर के होते हैं और ये दो काम कौन से सेल्स करते हैं एक गलवानिक सेल दूसरा इलेक्ट्रोल्टिक सेल गलवानिक सेल का दूसरा नाम भी है जिसको हम कहते हैं वोल्टिक सेल अब इसके इंट्रोडक्शन में जो थर्ड चीज़ आ जाती है वो है केमिकल रिएक्शंस ठीक है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस कि इसके अंदर रिएक्शंस होते कौन कौन से हैं सो so, बेस इसमें जो मेन काम होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ठीक है केमिकल स्पीशीज के दरमियान जो भी केमिकल रिएक्शन आपस में कर रहे हैं उनके दरमियान इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है अब इसके अंदर भी मैंने चूंकि बात की है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तो इसमें भी दो प्रोसेस मेन होते हैं एक होता है ऑक्सीडेशन एक होता है रिडक्शन ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो जाएगा तो उसकी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर जाएगी और दूसरा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो उसके रिजल्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी डिक्रीज कर जाएगी अब देखें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली क्या है कि एक स्पीशी है हमारे पास ए सोल्यूशन के अंदर एक स्पीशी है बी अब क्या होता है एक स्पीशी अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल देती है फॉर एग्जाम्पल ए स्पीशी ने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया ठीक है ठीक है इसने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया बाहर और ये इलेक्ट्रॉन बेसिकली 20 पीसी के पास चला जाता है अब इस, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसकी हो जाएगी ऑक्सीडेशन ठीक है इसकी ऑक्सीडेशन हो गई और दूसरी जो स्पीशी है इसके पास चूंकि इलेक्ट्रॉन चला गया ठीक है और इसने गेन कर लिया तो इसको हम बोलेंगे कि यहाँ पे हो गई है हमारे पास रिडक्शन एक स्पीशी अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल देती है तो उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है और जो स्पीशी अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लेती है गेन कर लेती है उसकी हो जाती है रिडक्शन ठीक है सो इस तरह से जो स्पीशी इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ कर जाएगी और जो के इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज़ कर जाएगी ये मैं नेक्स्ट टॉपिक बनाऊँगी इसके ऊपर जिसमें हम इन रिएक्शंस को भी देखेंगे और गलवानिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल को भी हम स्टडी करेंगे उसकी कंस्ट्रक्शन और उनके रिएक्शंस उसके बाद हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग को भी देखेंगे आगे सो जब ये दोनों काम इकट्ठे हो रहे होते हैं ठीक है साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं देखें तो उन्हें हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस अकर इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट इज़ कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शंस ठीक है उन्हें हम कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर ये दोनों प्रोसेस इकट्ठे हो रहे होते हैं तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन जो है वो बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शंस हैं जिनके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है और रिडक्शन भी हो रही होती है लास्ट में हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस आ जाती हैं तो एप्लीकेशंस में हमारे पास सबसे पहले इनका जो यूज़ है वो बैटरीज के अंदर है कि बैटरीज के अंदर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यूज़ करते हैं जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं उसके बाद फ्यूल सेल्स के अंदर हम इन्हें भी यूज़ करते हैं वहाँ पर भी ये elect, जो केमिकल एनर्जी है फ्यूल्स की उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं उसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग आ जाती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग बेसिकली क्या होता है कि हम मेटल की एक लेयर को दूसरी लेयर के ऊपर डिपॉजिट कर देते हैं इलेक्ट्रॉलिस के थ्रू एलेक्ट्रो प्लेटिंग के ऊपर भी इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगी ठीक है उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट कुरिजन प्रिवेंशन के जो ये जंग लग जाता है इससे भी प्रिवेंशन हम कर सकते हैं इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हेल्प से ये टॉपिक भी इंशाल्लाह मैं कवर करूंगी सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा अब आपसे मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो में अनटिल दैन अलाफ इज़ एवरी एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर